Hello there, this is Sneh and in this video I am going to discuss in text and NCERT questions of chapter 1 chemistry of class 9th matter in our surrounding. अगर आपने अभी इस chapter की previous video अभी तक नहीं देखी है, previous lecture नहीं देखा है तो मैंने उसका link description में दिया हुआ है, ठीक है? Now let's start. सबसे पहले हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अब यहाँ पर है कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. Which of the following are matter? इनमें से कौन सा matter है? Chair, air, love, smell, hate, almonds, thought, cold, cold drink, smell और perfume. Smell of perfume. अब यहाँ पर आपको पता है, आप matter की definition आपको बहुत अच्छे से जानते हैं कि matter always occupies some space and mass. It can exist in three physical states. आपको पता है कि ये तीन physical state में पाया जाता है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और मास भी ऑक्यूपाई करता है. तो सबसे पहला क्या है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब इसमें से हम ये चेक कर लेते हैं कि व्हाट इज मैटर, इनमें से मैटर कौन सा है. तो मैटर चेयर हो गया, आमंड हो गया. अब ये कौन सा मैटर है, कौन से टाइप का मैटर है, ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है? सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर. अब ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक क्या है? लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर. एयर, स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये क्या है? गैशियस स्टेट ऑफ मैटर. अब जो स्मेल ऑफ परफ्यूम है वो एयर में ही ट्रैवल करता है, सो दैट्स वाई मैंने ये चीज़ लिखी है यहाँ पर. और इसके अलावा जो चीज़ें बच जाती हैं, दैट इज़ लव, हेट, कोल्ड, स्मेल एंड थॉट आर सेंसेशंस. ये सारी सेंसेशंस होती हैं, सो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज मैटर, ठीक है? आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. तो हमने ये जो ऑब्जर्वेशन दी हुई है, हमें इसके लिए हमें रीज़न बताना है कि द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज. आपको क्या करना पड़ता है, जब हॉट सिजलिंग फूड होता है उसकी जो स्मेल होती है हमें काफ़ी दूर तक आ जाती है, लेकिन अगर हमें को ऐसे ही एग्जैक्टली अगर कोल्ड फूड की स्मेल लेनी हो तो हमें उसके पास आना पड़ता है. तो ऐसा क्यों? ये बेसिकली किसकी वजह से होता है? द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सॉलिड फूड पार्टिकल डिफ्यूज्ड इन एयर. क्या होता है, अगर हमने जैसे कोई भी गर्म खाना ले लिया है, तो अब आपको पता है कि उसके आसपास जो भी है पार्टिकल्स वगैरह, वो क्या है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि उस खाने की जो काइनेटिक एनर्जी है ज़्यादा है. तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे, उस खाने के पार्टिकल्स, उस फूड के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज़ हो जाएंगे एयर में. एयर में डिफ्यूज़्ड मतलब आप समझ गए होंगे कि मिक्स हो जाएंगे, और बेसिकली डिफ्यूजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है? एज अ आप ये समझ लीजिए कि ब्रेक होके वो एयर में मिक्स हो जाएंगे. नेक्स्ट फिर वो आपको पता है कि जो गरम मतलब जिनकी जिन पार्टिकल्स की हीट ज़्यादा होती है, उन पार्ट वो पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी उनकी. अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो दैट मीन्स वो ट्रैवल करेंगे. तो इसीलिए हॉट सीजनिंग फूड के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत ईजिली आराम से ट्रैवल कर पाते हैं ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी. लेकिन ऐसा कोल्ड फूड के साथ क्यों नहीं होता है? क्योंकि कोल्ड फूड के आसपास की जो एयर है या फिर उसके जो पार्टिकल्स हैं वो डिफ्यूज़ नहीं हो पाएंगे क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं है, ठीक है? अगर एनर्जी नहीं है तो हमें कोई स्मेल भी नहीं आएगी, हमें उसी के पास जाना पड़ेगा स्मेल लेने के लिए. तो दैट्स वाई, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास. A diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does the observation show? एक diver जो होता है, diver swimming pool में water को cut कर सकता है, cut करने की possibility रखता है. तो इसके लिए कौन सी property use होगी, कौन सी property के लिए बात की गई है? तो सबसे पहली characteristics हमारी matter की क्या होती है? One of the सबसे पहली नहीं, इसकी कोई एक, उनमें से एक, जितनी सारी प्रॉपर्टी होती है मैटर की उनमें से कोई एक प्रॉपर्टी होती है. वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज इन द ऑर्डर. अब यहाँ पर देखो जो करेक्टरिस्टिक होती है, एक करेक्टरिस्टिक मैंने आपको पहले भी
बताई थी लेक्चर में, पिछले वाले लेक्चर में, कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब जो अट्रैक्शन ऑर्डर होता है वो इस तरीके से दिया है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स में, देन लिक्विड के पार्टिकल्स में, एंड देन गैस के में ऑलमोस्ट निग्लिजिबल मान के चलते हैं, ये मैंने उस टाइम पर भी बोला था। तो क्या हो गया, लिक्विड पार्टिकल हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। आपको पता है कि लिक्विड पार्टिकल के पास क्या होता है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो डाइवर क्या कर पाता है, उसको कट कर पाता है, वो स्विमिंग पूल में जो वाटर होता है उसको ईजिली कट कर पाता है और फिर उसमें मूव कर पाता है। दिस इज़ द रीज़न, ठीक है, ड्यू टू द लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। करेक्टरिस्टिक्स जो हम करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर बात कर रहे थे ऊपर, उन्हीं की बात कर दी गई है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, वो क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। सबसे पहली है स्पेस बिटवीन दैम, देन कंटिन्यूसली मूविंग and attract each other, particles of matter always attract each other, this। अब यहाँ पर हो गया है हमारा first इंटेक्स्ट ख़त्म। next हम बात कर लेते हैं इंटेक्स टू की, ठीक है। अब इंटेक्स टू में है, सबसे पहला है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। आपको पता है कि डेंसिटी क्या होती है, अगर हम डेंसिटी को डिफाइन करें तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज़ नोन एज डेंसिटी, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। अब आपने क्या करना है, डेंसिटी के ऑर्डर को दिखाना है यहाँ पर। तो दिए हुए हैं आपको एयर एग्जॉस्ट फॉर्म फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। तो आपको बताने सबसे कम डेंसिटी किसकी है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, जिसकी डेंसिटी सबसे कम होगी, तो एयर की डेंसिटी सबसे कम होती है, देन एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी उसकी डेंसिटी कम होगी, देन कॉटन, देन वाटर, देन हनी, चॉक एंड आयरन, ठीक है। ये हो गया, ये तो सबसे ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है टैबलेट द डिफरेंस इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर की करेक्टरिस्टिक्स के मैं डिफरेंस बताना है आपने, तो ये मैंने आपको करवाया हुआ है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप खुद करेंगे, ठीक है। ये वही है, सिंपल डिफरेंस बताना है कि भाई सॉलिड, लिक्विड एंड गैस क्या होते हैं, सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, ठीक है, लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, और गैसेस ऑल्सो डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। इस तरीके के जो मैंने आपको बताया था, एक पूरा टेबल बना के बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। आपको कमेंट करना है किसके ऊपर, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। इनमें से एक दो पूछी जा सकती हैं पेपर में, तो एग्ज़ाम में, तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे इसे। सबसे पहले हम रिजिडिटी की बात करते हैं। रिजिडिटी मतलब क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ मैटर टू रेजिस्ट अ चेंज इन शेप। क्या होता है, ये टेंडेंसी होती है मैटर की कि वो अपनी शेप को चेंज को रेजिस्ट कर सके, मतलब अपनी शेप को चेंज ना कर सके, दैट इज़ नोन एज रिजिडिटी। कंप्रेसिबिलिटी द एबिलिटी टू रिड्यूस इन वॉल्यूम व्हेन फोर्सेस अप्लाइड। ये क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी होती है कि किसी भी मैटर को, अगर हम मैटर के ऊपर अगर हम प्रेशर या फोर्स अप्लाई करें तो ये अपना वॉल्यूम चेंज कर सकता है। व्हाट इज़ फ्लूडिटी, फ्लूडिटी क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मैटर टू फ्लो। ये एक ऐसी एबिलिटी है कि कोई भी मैटर फ्लो कर सके। तो नॉर्मली कौन से मैटर फ्लो करते हैं, लिक्विड एंड गैस कैन फ्लो आर कॉल्ड फ्लूड, ठीक है। और जो चीज़ें फ्लो करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लूड बोलते हैं। जैसे कि लिक्विड एंड गैस जो है इजीली फ्लो कर सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्लूड। नेक्स्ट इज़ फिलिंग अ गैस कंटेनर। फिलिंग अ गैस कंटेनर का क्या मतलब है, गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, गैसेस की अपनी शेप नहीं होती है और वॉल्यूम भी नहीं होता है। और गैसेस क्या करती हैं, ये उन्हीं की शेप लेती हैं जिसमें वो डाली जाए, ठीक है। किसी भी अगर कंटेनर में वो डाल दी जाए तो गैस उसी की शेप ले लेगा। बाय फिलिंग अ गैस कंटेनर इट मींस द अटेनमेंट
अटेनमेंट ऑफ शेप ऑफ द कंटेनर बाय द गैस, मतलब गैस क्या करेगी, सिंपल जिस भी कंटेनर में डालेंगे हम वो क्या करेगी, वो उसका पूरा वॉल्यूम ले लेगी, ठीक है, उस पूरे कंटेनर के अंदर वो फिल हो जाएगी। अब शेप, शेप मीन्स इट मीन्स अ डेफिनेट बाउंड्री, ओनली सॉलिड्स हैव डेफिनेट बाउंड्री, डेफिनेट वॉल्यूम एंड बाउंड्री। इट मीन्स अ डेफिनेट बाउंड्री, ओनली सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड बाउंड्री। क्या होता है, सॉलिड्स बेसिकली अपनी बाउंड्री को छोड़कर नहीं जाते। कभी आपने देखा हो कि सॉलिड है कोई, जैसे मैंने उस पिछली बार भी आपको पेन का एग्जांपल दिया था, तो क्या उसके पार्टिकल्स अपनी बाउंड्री को छोड़कर इधर उधर जा रहे हैं, नहीं। तो ये है, इसकी डेफिनेट बाउंड्री रहती है, तो ये अपनी एक पर्टिकुलर शेप में रहता है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। द एनर्जी प्रोसेस पोजेस्ड बाय अ पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन की वजह से जो पार्टिकल एनर्जी प्रोसेस करता है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। मतलब अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, दैट मीन्स वो किसकी वजह से कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक एनर्जी है, उस एनर्जी को क्या कहा जाता है, काइनेटिक एनर्जी। और डेंसिटी आपको मैं बताई चुकी हूँ, मास पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट है, गिव रीजंस, अ गैस विल कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। ये आपने अभी पढ़ाई, जो मैंने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में भी था। द गैस पार्टिकल मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, आपको पता है कि गैस पार्टिकल जो होते हैं ऑल डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं ड्यू टू लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि उनमें लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स में। गैस टेक्स द शेप ऑफ अ कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट, ये हमेशा क्या करता है, ड्यू टू द मोशन गैस क्या कर लेता है, उसी कंटेनर की शेप ले लेता है जिसमें वो रखी जाती है। देयरफॉर गैस कंप्लीटली फिल द वेसल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गैस एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब गैस क्या करता है, प्रेशर भी एग्जर्ट करता है कंटेनर्स के वॉल्स के ऊपर। द गैस पार्टिकल मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, गैस पार्टिकल क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं हर डायरेक्शन में ड्यू टू द लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। दीज गैसेज पार्टिकल कंटिन्यूसली कोलाइड अमंग देमसेल्व एंड दे ऑल्सो हिट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर विद ग्रेटर फोर्स। प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एग्जर्टेड बाई द पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव करते रहेंगे ऑल डायरेक्शन में। कभी कभी क्या होते रहते हैं, वही पार्टिकल्स जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से भी टकराते रहेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे तो फिर वो क्या है, वॉल्स के कंटेनर के वॉल्स को भी क्या करेंगे, हिट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, ये वॉल्स के कंटेनर्स के वॉल्स के ऊपर ये प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है। और प्रेशर का आपको फॉर्मूला पता है, प्रेशर के क्या कैसे डिफाइन किया जाता है, प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एग्जर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये सिर्फ गैस पार्टिकल्स की बात की है, इस तरीके से गैसियस के फॉर्म में इस तरीके से डिफाइन होगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, एक वुडन टेबल को हम सॉलिड क्यों कहें, मतलब रीज़न बता दो आप, ठीक है। अ वुडन टेबल हैज़ अ डेफिनेट शेप, अब आपको पता है कि वुडन टेबल क्या है, एक सॉलिड है, सॉलिड की क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है और उसका वॉल्यूम होता है। इट इज़ वेरी रिजिड, रिजिड क्यों होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक है, एंड कैन नॉट बी चेंज ईजली, और वो अपनी शेप ईजली चेंज नहीं करता है। इट हैज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड, हैंस अ वुडन टेबल शुड बी कंसिडर्ड अ सॉलिड, मतलब इसकी ये वुडन टेबल जो है सारी सॉलिड की करेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, तो हम इसको फिर क्या कह देते हैं कि दिस इज नोन एज सॉलिड, समझ गए, इसको क्या कंसीडर किया जाएगा, सॉलिड कंसीडर किया जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, वी कैन ईजली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू सो द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। देखो हम अब एयर में से तो ईजली हैंड पास कर सकते हैं, ठीक है, मूव कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही अगर हमें सॉलिड ब्लॉक में हैंड पास करना हो तो हमें कौन चाहिए, कराटे एक्सपर्ट चाहिए। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है और लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है,
ठीक है, लेस मीन्स लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन वुड में क्या होता है, वुड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और स्पेस भी काफ़ी कम होता है, तो जिसकी वजह से उस वुडन ब्लॉक में से हैंड पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है और एयर में से हम ईजिली हैंड पास कर लेते हैं। लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, लिक्विड्स की जनरली लो डेंसिटी होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक है। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट वाई। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार रिपीट हो जाता है। लिक्विड की डेंसिटी लो होती है ये आपको पता है, और सॉलिड से, बट क्या होता है, आइस फिर भी फ्लोट करता है वाटर के ऊपर, क्यों? ठीक है, डेंसिटी इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। आपको पता है डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी सब्सटेंस का। अगर वॉल्यूम सब्सटेंस का इंक्रीज होगा तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो दैट मीन्स डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो दैट मीन्स हम क्या कहते हैं, अगर हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। इन्वर्सली मतलब ये ऑपोजिट चलते हैं, ठीक है। कैसे, अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी इसमें, समझ गए? तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। दो आइस इज़ अ सॉलिड, इसलिए आइस सॉलिड है, इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन इट्स स्ट्रक्चर। और ऊपर से हम क्या कहते हैं कि भाई आइस सॉलिड तो है लेकिन इसके बीच में जो स्पेसेस हैं, ठीक है, एम्प्टी स्पेसेस काफ़ी होता है, और ये जो एम्प्टी स्पेसेस है एम्प्टी स्पेसेस आर लार्जर एज कम्पेयर टू द स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। दैट मीन्स अगर हम वाटर ले लेते हैं तो वाटर में जो पार्ट स्पेस होता है वो काफ़ी कम हो जाएगा, इन केस ऑफ, मतलब अगर हम आइस से कंपेयर करें, और आइस में जो स्पेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ये आपने नोटिस किया होगा, जब आइस आप दिखते हो तो उसमें बबल्स दिखाई देते हैं, दैट इज़ एम्प्टी स्पेस, ठीक है। तो इसकी वजह से आइस का जो आइस की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, और वाटर से, ठीक है, आइस की डेंसिटी कम हो जाती है जिसकी वजह से वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर पाता है, ठीक है। लेसर विल बी, देखो हायर द वॉल्यूम, अगर ज़्यादा वॉल्यूम होगा लेसर विल बी द डेंसिटी, हैंस द डेंसिटी ऑफ द आइस इज लेस देन द दैट ऑफ वाटर, ठीक है। ये अच्छे से पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कन्वर्ट करना है, नेक्स्ट इंडेक्स थ्री, आप थ्री पर आ गए हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, अगर अब आपने क्या करना है, सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को। अगर केल्विन में दे रखा है तो हम सिंपल कुछ नहीं करते, हम उसमें से 273 केल्विन माइनस कर देते हैं और जो हमारे पास वैल्यू आती है वो डिग्री सेल्सियस में आएगी, ठीक है। हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूला होता है कि अगर हमने डिग्री सेल्सियस में निकालना हो, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, जो भी हमें गिवन टेम्परेचर है उसमें से माइनस 273 कर दो। तो ये है 300 केल्विन है, 300 केल्विन में से 273 डिग्री सेल्सियस हमने माइनस किया तो हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस आ गया, ठीक है। ऐसे ही 573 है तो हमने क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है 273, हमारे पास आ गया 300 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे पूछा है कि 250 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की स्टेट क्या होगी। देखो 250 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की स्टेट क्या होगी, सबसे पहले हमें इस ये जानने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके ऊपर जितना भी टेम्परेचर एग्जिस्ट, इसके ऊपर जो भी टेम्परेचर होता है वाटर का वो हमेशा गैशियस स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है गैशियस फॉर्म में होगा, ठीक है, वेपर फॉर्म में। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या करेगा, दोनों स्टेट में मिलता है, ठीक है, वो लिक्विड स्टेट में भी होगा और सॉलिड गैशियस स्टेट में भी होगा, ठीक है, दोनों स्टेट्स होती हैं, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है एंड उसी टेम्परेचर पर ही बॉयल से वो क्या करता है, वो वेपर्स बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी सब्सटेंसेस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। देखो कभी भी सब्सटेंस का अगर हम स्टेट चेंज करना चाहते हैं तो उसका हमेशा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट क्यों रहता है, ये बेसिकली ड्यू टू द
हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से रहता है। ठीक है, जैसे हमने क्या करना है, ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, या फिर हम बात कर ले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसकी बात कर लेते हैं। देखो दोनों क्या करते हैं, या देखो ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट, जब भी किसी की भी स्टेट चेंज करेंगे तो टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो भी हीट सप्लाई होगी वो हमेशा क्या इंक्रीज़ टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में यूज़ हो जाती है, एंड फिर और जो फर्दर सप्लाई होती है वो किस लिए यूज़ हो जाती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए, विच डज नॉट कंट्रीब्यूट द इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, जो किसके लिए काम में नहीं आती है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में काम नहीं आती है। अब जैसे हम बात करते हैं वाटर का, वाटर का एग्जांपल ले लूँ, सबसे इजी है, हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं तो वाटर को बॉईल करते टाइम पर 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँच गया है, लेकिन उसके बाद उस वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है, बल्कि हम हीट लगातार उसको सप्लाई कर रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो फर्दर हीट है वो अब किस काम में आ रही है, वो वाटर को वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के काम में आ रही है। ठीक है, तो दैट मीन्स अब जो एनर्जी है, जो भी हीट एनर्जी है वो कहाँ जा रही है, वो वाटर को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के काम में आ रही है, और लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो ये मैंने आपको बताया था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसमें मैंने एग्जांपल भी बताया था आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट है, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। ठीक है, एटमॉस्फेरिक गैस को किस तरीके से लिक्विफाई किया जाए, तो इसके लिए हमारे पास कौन सा मेथड होता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस कैन बी लिक्विफाई बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। ये मैंने बताया था कि भाई किस तरीके से एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई किया जा सकता है, रिड्यूस द टेम्परेचर और प्रेशर को अप्लाई करके। नेक्स्ट इंटेक्स 4 है, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं हॉट ड्राई डे में, ड्यूरिंग इवेपोरेशन। देखो इवेपोरेशन में जो लिक्विड होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर से या फिर सराउंडिंग से क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो क्या होना चाहते हैं, इवेपोरेट होना चाह रहे हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर और ह्यूमिडिटी। अब आपको पता है कि इवेपोरेशन का रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि ह्यूमिडिटी कितनी है हमारी एयर में। अगर इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज लेस, अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कम है एयर में, ठीक है, तो वाटर क्या करेगा, इवेपोरेट कम होगा। ठीक है, इवेपोरेशन जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो कम होगा। अगर हमारा ह्यूमिडिटी कम है एयर में तो क्या होगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। तो इसीलिए हॉट ड्राई डे में डिज़र्ट कूलर क्या करता है, बेटर कूल कर पाता है। ठीक है, हाउ डस वाटर कैप्ड इन एन अर्दन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर्स। अर्दन पॉट मतलब मटके की बात कर रहे हैं। ठीक है, एन अर्दन पॉट कंसिस्ट ऑफ मैनी टाइनी पोर्स। आपको पता है कि जो अर्दन पॉट होता है वो कंसिस्ट होता है कई छोटे छोटे छेदों से, ठीक है, पोर्स होते हैं, विच द लिक्विड इनसाइड द पॉट इवेपोरेट्स। जो लिक्विड होता है इनसाइड, अंदर का जो लिक्विड होता है उस पॉट के, उसको क्या करता है, उन पोर्स में से एज अ कैपिलरी की तरह काम करते हैं वो, उसको मतलब अंदर में से पानी खींचता है थोड़ा थोड़ा करके और फिर इवेपोरेट करने का काम आता है। तो ये क्या करता है, दैट मेक्स द वाटर इनसाइड पॉट कूल्स। ये क्या कर देता है, वाटर को अंदर का जो पानी होता है उसको कूल कर देता है। कैसे कूल कर देता है, भई आप मान लीजिए कोई मटका ले लिया आपने, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सराउंडिंग से हमेशा ये क्या लेता है, हीट लेता है, ठीक है, मतलब एनर्जी लेने की कोशिश करता है। तो क्या होगा, जब मटके में पानी रखा होगा तो ऑब्वियसली मटका पूरा का पूरा आपने देखा होगा थोड़ा वेट हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, अब ये जो बाहर का जो सरफेस पर जो वाटर है ये क्या करेगा, ये उस मटके की एनर्जी लेगा, मटके में जितनी भी मतलब
वाटर में जितनी भी एनर्जी होगी वो उससे एनर्जी लेगा। अब जब वो एनर्जी लेगा तो क्या है, तब वो इवेपोरेट हो पाएगा। अगर उससे एनर्जी ले ली है तो ऑब्वियसली वो जो वाटर क्या हो जाएगा, वो थोड़ा कूल हो जाएगा। इसलिए अर्दन पॉट का हमेशा पानी क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही वही एक और सेम क्वेश्चन है, व्हाई डज आर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट एसीटोन और परफ्यूम ऑन इट। ऑब्वियसली जो यही रीज़न है सिंपल, ड्यू टू द इवेपोरेशन प्रोसेस सराउंडिंग से वो क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है और इवेपोरेट होने की कोशिश करता है। अगर हम अपने पाम के ऊपर कोई भी एसीटोन वगैरह रख ले, ठीक है, तो क्या होता है, ये हमारे पाम की क्या करता है, एनर्जी को लेगा। ठीक है, पाम के जो हीट होगी उसको लेगा, हीट लेगा और खुद इवेपोरेट हो जाएगा। अब जब खुद इवेपोरेट हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो ये पाम की जो हीट है उसको क्या करेगा, पाम का जो टेम्परेचर थोड़ा सा लोअर कर देगा। ठीक है, तो दिस दैट्स वाई आर पाम फील कोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन अ कप। हम सॉसर में से, ठीक है, आप समझ लो एक प्लेट ले लिए, सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा है और कप है, ठीक है, तो हम उसमें से टी या फिर मिल्क ईजिली सिप कर पाते हैं सॉसर में से देन द कप। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा सरफेस एरिया, मैंने आपको सरफेस एरिया वाला एग्जांपल भी बताया था कि भाई जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ वेपोरेशन होगा। तो जैसे अब सरफेस एरिया ज़्यादा, रेट ऑफ वेपोरेशन ज़्यादा, इसलिए जो कूलिंग होगी वो फास्टर हो जाएगी किसमें, सॉसर में देन द कप। बस दैट इज़ द रीज़न। वट टाइप ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, कौन से क्लोथ्स पहनने चाहिए समर में। ऑब्वियसली आपको पता है, ये पिछली प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा है, कॉटन क्लोथ्स हमें पहनने चाहिए, क्योंकि कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं ज़्यादा स्वेट को। अगर ज़्यादा स्वेट एब्जॉर्ब करेंगे फिर ये क्या कर देगा, उस स्वेट को एक्सपोज करेगा सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में, और फिर हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई हो जाएगा, और फिर जिसकी वजह से हमें कूल भी फील होता है। ठीक है, ड्यूरिंग इवेपोरेशन पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी, वो क्या कर लेंगे, एनर्जी को गेन कर लेंगे फ्रॉम आर बॉडी सरफेस, एंड हमें फिर कूल फील होता है। ठीक है, अब हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। अब हमें क्या करना है, इस फॉलोइंग टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। ये आप खुद करके देखिएगा, मैंने करके तो दे दिए लेकिन आप खुद करना है। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन, केल्विन में कुछ नहीं करते हैं, जो डिग्री सेल्सियस दिया होता है उसमें हम प्लस 273 केल्विन कर देंगे और फिर हमें केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा हमारा। गिव रीज़न ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, इन ऑब्जर्वेशन के लिए हमें रीज़न बताना है। तो सबसे पहले है नेप्थलीन बॉल डिसअपियर विद टाइम। नेप्थलीन बॉल क्या होती है, टाइम के साथ साथ डिसअपियर हो जाती है ड्यू टू द, ये रीज़न क्या होगा, सब्लिमेशन। ठीक है, क्योंकि फ्यू सब्सटेंसेस अंडरगो सब्लिमेशन ईजिली एट रूम टेम्परेचर। ये एग्जाम्पल मैंने नेप्थलीन बॉल का आपको तब भी दिया था जब मैं थ्योरी बता रही थी आपको। ठीक है, अब नेप्थलीन बॉल क्या करती है, अपनी स्टेट चेंज कर लेती है सॉलिड से सीधा गैस में, लिक्विड में नहीं आती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन, और ये सीधा रूम टेम्परेचर पर ही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वी कैन गेट स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। हमें परफ्यूम की जो स्मेल है वो कई मीटर्स अवे भी मिल जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल हमेशा मूव करते रहते हैं। क्यों मूव करते रहते हैं, क्योंकि उसमें हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, तो पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम क्या करते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं गैसेस, क्या होगा, परफ्यूम जो है लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, अब लिक्विड स्टेट में होगा तो जब हम उसको स्प्रे करते हैं वो लिक्विड स्टेट से एकदम से तुरंत ही वो क्या होने लग जाता है, वेपर फॉर्म में होने लग जाता है। वेपर फॉर्म में आ गया तो दैट मींस वो क्या हो रहा है कि गैसियस स्टेट में आ गया। अब गैसियस के जो पार्टिकल्स होते हैं एक मूव करते रहते हैं काइनेटिक एनर्जी की वजह से, अब मूव करते रहेंगे तो हमें काफ़ी दूर तक भी वो उसकी स्मेल मिल जाती है। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स किस ऑर्डर बताना है आपको। ठीक है, वाटर शुगर और ऑक्सीजन के, ये आप अपने आप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है
वट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, ये भी आप खुद करेंगे, इसका भी मैंने आपको बताया था। गिव टू रीजंस टू जस्टिफाई, आपने ये, मैं ये मैं बता देती हूँ। गिव टू रीजंस टू जस्टिफाई, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड ड्यू टू द फ्यू करेक्टरिस्टिक्स, वाटर हैज़ नो स्पेस। कुछ करेक्टरिस्टिक्स की वजह से वाटर की शेप नहीं होती है लेकिन उसका फिक्स वॉल्यूम होता है। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट, ठीक है, ये हमेशा उस कंटेनर की शेप ले लेगा जिसमें ये डाला जाता है, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, वाटर कैन फ्लो, तो इसलिए वाटर रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। एंड आयरन अलमीरा इज़ अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, क्यों होती है, क्योंकि उसकी एक डेफिनेट शेप होती है, ये ऑब्वियसली प्रॉपर्टी है, और एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है सॉलिड की तरह, और ये सॉलिड की तरह रिजिड भी होता है, इसलिए आयरन अलमीरा सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर पर। वाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हो जाता है बोर्ड्स में। वाई इज़ आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, 273 केल्विन पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है कूलिंग में, ऐसा क्यों एट द सेम टेम्परेचर, वही सेम, बोथ आइस एंड वाटर आर एट सेम टेम्परेचर 273 केल्विन, दोनों के दोनों अगर 273 केल्विन है, केल्विन पर है, लेकिन जो आइस है, आइस के पास एनर्जी लेस होती है देन द वाटर, ठीक है, वाटर की एनर्जी से लेस होती है आइस के पास एनर्जी, बिकॉज क्योंकि वाटर क्या पोजेस करता है, एडिशनल एनर्जी, कौन सी एडिशनल एनर्जी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हैंस एट 273 केल्विन आइस इज़ मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर। क्या होता है, मैंने आपको एग्जांपल बताया था, हम क्या कर रहे थे, हमने एक अपरेटस ले लिया था जिसमें हमने आइस ले लिया, आइस का पहले हमने टेम्परेचर चेक किया है, जब हम टेम्परेचर उसका चेक कर रहे हैं तो वो आ रहा है 0 डिग्री सेल्सियस, और अब हम उसको हीट भी करते जा रहे हैं साथ साथ, और हाफ आइस मेल्ट हो चुकी है। अब हाफ आइस मेल्ट होने के बाद भी जो टेम्परेचर है उस कंटेनर में, ठीक है, उस चीज़ का, वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये बेसिकली क्यों है, ये इसी की वजह से, क्योंकि उसमें क्या शो होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला है। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के केस में क्या होता है कि ये जो एनर्जी लेता है, ये सिर्फ, अब जो आइस जो एनर्जी ले रही है, ठीक है, वो क्या उसको किस काम में ला रही है, उसको सिर्फ स्टेट चेंज करने में ला रही है, ठीक है, और किसी काम में नहीं ला रही है, तो वो सिर्फ स्टेट चेंज होगी, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट आपके पास ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, वट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम, कौन से ज़्यादा सीवियर बर्न देता है, ठीक है, दोनों के दोनों क्या होता है, सेम टेम्परेचर 373 केल्विन पे क्या हो जाता है, सेम टेम्परेचर होता है स्टीम का भी और वाटर का भी, लेकिन जो स्टीम होती है उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है। देखो क्या कर रहे हैं, वाटर को हम बॉइल कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, अब जब हमने 100 डिग्री सेल्सियस पर उसको बॉइल कर लिया है, ठीक है, अब जब हम उसको और ज़्यादा बॉइल कर रहे हैं तो क्या है, वेपर फॉर्म में चले जा रहे हैं, ठीक है, वाटर किस में बन जा रहा है, वो स्टीम में बन जा रहा है, तो दैट मीन्स, कहने का क्या मतलब है, अब जो एनर्जी यूज़ होगी, जो भी एनर्जी यूज़ होगी वो स्टीम बनने में यूज़ होगी, तो दैट मीन्स, एक तो स्टीम का 100 डिग्री सेल्सियस है और इसके पास कौन सी एनर्जी है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो दो एनर्जी होगी, इसके पास तो सिर्फ, वाटर के पास तो सिर्फ एक नॉर्मल हीट थी, टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अब इसके पास, स्टीम के पास क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस प्लस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एनर्जी ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी होगा, जिसकी वजह से अगर हमें देखना हो किससे सीवियर बर्न्स होते हैं, तो वो इसी रीज़न की वजह से स्टीम में ज़्यादा सीवियर बर्न होते हैं। अब आपको इसमें बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ए बी सी डी ई एंड एफ इज़ द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन इट स्टेट, आपको स्टेट बतानी है किसकी वजह से क्यों चेंज हो रही है। तो आई होप ये आपको पता होगा किस तरीके से करना है, आप पहले करके देखेंगे, ठीक है, अगर तब भी कोई डाउट आता है तब आप मुझसे पूछ लेंगे, कमेंट बॉक्स में डाल देना आप, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, ये आपका होमवर्क है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, रबर बैंड कैन चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, वाई विल यू क्लासीफाई, इज इट अ सॉलिड और नॉट, ठीक है। स्पॉन्ज इज़ दो कंप्रेसिबल, इज इट अ सॉलिड, एक्सप्लेन, ये सारे क्वेश्चन है, आप एक बार चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैशेज कंप्लीटली फिल द वेसल इन विच दे आर केप्ट,
गिव रीज़न अंडर व्हाट कंडीशंस गैसेस कैन बी लिक्विफाइड इन विच फोर्स एलपीजी इज़ फिल्ड इन अ गैस सिलेंडर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ड्राई आइस. उससे नेक्स्ट है लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड बट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर फाइंड आउट व्हाई. ये पहले वाला क्वेश्चन है. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन बाय टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. इससे नेक्स्ट है एट क्वेश्चन है गिव रीजन टू एक्सप्लेन बाय इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू ड्राई वेट क्लोथ्स इन ह्यूमिड वेदर. देन है वाई डू पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ टॉप आफ्टर अ हॉट सनी डे. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन सफरिंग फ्रॉम फीवर विच विल लोअर योर टेम्परेचर मोर आइस और आइस कोल्ड वाटर. ठीक है तो ये आपने करने हैं एंड दिस यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो गया. अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. ठीक है अगर इस क्वेश्चन में से किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है आपको तब भी आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. एंड वन मोर थिंग स्टे एट होम एंड स्टे वेल और अपना ध्यान रखिए दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करते रहिए. दैट्स इट और बस.